मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत अंसार इंटर कॉलेज पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैश वैन में आग लगने की सूचना लोगों को मिली। दरअसल कैश वैन एटीएम में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पहुंची थी, जहां पर वाहन चालक की जो सीट होती है उसके बाद कुछ शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों की मदद से उस आग को बुझाने का काम भी किया गया। इस पूरी घटना में किसी प्रकार के कोई नुकसान की सूचना नहीं है। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत अंसार इंटर कॉलेज के पास बैंक की कैश वैन में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पीरगैब चौकी इंचार्ज ने स्थानीय निवासियों की मदद से गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। अंसार इंटर कॉलेज पर लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में कैश ट्रांसफर करने आई कैश वैन में वाहन चालक के पास शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद समाज सेवी व स्थानीय निवासियों ने पीरगैब पुलिस चौकी इंचार्ज को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समाज सेवी नोमान मंसूरी की मदद से पानी से आग बुझाने का काम किया। इस पूरे घटनाक्रम में अच्छी बात ये रही कि किसी प्रकार के जनधन की हानि की सूचना नहीं है। सिटी चैनल से बात करते हुए समाज सेवी नोमान मंसूरी ने कहा कि घर के बाहर लगे एटीएम में पंजाब नेशनल बैंक की कैश वैन एटीएम में पैसा ट्रांसफर करने पहुंची थी, जहां पर वाहन चालक के पास शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया। आज ये घटना घटी के तकरीबन 2:30 बजे करीब कैश वैन पीएनबी का एटीएम पे जो है प्रिंस रोड पे लोड करने के लिए आती है कैश, रोज आती है। पिछले 10 साल से यहाँ एटीएम लगा हुआ है प्रिंस रोड पर अंसार कॉलेज के सामने। आज भी 2:30 बजे वो लोग कर्मचारी आए, उसमें तकरीबन 2 सिक्योरिटी गार्ड थे उनके और 2 लोग और थे ड्राइवर के अलावा, 4-5 लोग थे। तो उन्होंने जब गाड़ी खड़ी करके एटीएम में गए कैश लेकर, इसी दौरान गाड़ी में जो है वो धुआं उठने लगा। तो उन्होंने जब मुड़ के देखा तो धुआं लग रहा उठ रहा था, तो उन्होंने फौरन अपना निकाल के सिलेंडर जो उसमें था फायर का आग बुझाने का वो उन्होंने करा। जब उससे आग नहीं बुझी, किसी ने कंट्रोल रूम पे सूचना दी, तो वहाँ से कोतवाली मुगलपुरा को फ़ोन आया और कोतवाल साहब ने अपने यहाँ एक SI राजविंदर कौर पीरगैब चौकी इंचार्ज को भेजा और ललित कुमार उनके साथ लैपेट के सिपाही थे वो आए। उन्होंने तुरंत मुझसे बोला कि आप एक काम करिए, अपना घर खोलिए गेट और इसमें से पाइप पानी का पाइप लगा दीजिए। तो मैंने पानी का पाइप लगा के अपने यहाँ से समरसेबिल का और आग बुझाने में हम लोगों ने साथ में लग गए। तुरंत आग बुझ गई, मगर 15 मिनट के बाद फिर दोबारा अंदर से उसमें, क्योंकि फॉर्म मोटी होती है सिक्योरिटी के हिसाब से, तो उसने फिर आग पकड़ ली। तो आधा पौन घंटा पुलिस यहीं रही, तो इस दौरान दोबारा से फिर उसको आग पर काबू पा लिया गया और अभी भी गाड़ी ख़राब खड़ी है। फिर वो लोग जो स्टाफ थे वो किसी अन्य उससे ऑटो वाटो से चले गए और गाड़ी फिलहाल वो छोड़ गए। और इसमें मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस अपना कोतवाली मुगलपुरे का, कोतवाल साहब का, कि उन्होंने बहुत जल्दी इसमें एक्शन दिया और तुरंत यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को भेजा। किसी प्रकार की इसमें हानि तो नहीं हुई है? नहीं, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, बस गाड़ी की हानि हुई है जो उनका छोटा हाथी था, जो क्योंकि वो पुरानी कंडीशन का था, जर्जर हालत का है, तो इस वजह से आग भी लगी होगी मैं समझता हूँ पुरानी कंडीशन की वजह से। इस पर ध्यान देना चाहिए उन्हें, अपने कैश वैन जो है अच्छी रखनी चाहिए जब कैश का मामला है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। मगर इसी मौके पर क्षेत्रवासियों ने और जो वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने सब ने पुलिस को और सबका मतलब शुक्रिया अदा करा कि ये हमारी बड़ी घटना घटने से बच गई और सभी लोग खुश हुए।